जी तो नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं गंगा पहलवान साहब की कब्र और उनके अखाड़े में। ये उस्मान भाई जहाँ पे खड़े हैं, ये अखाड़ा है जहाँ पे वो कुश्ती किया करते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मेरा शहर। इसकी हर एपिसोड में हम आपको हमारा जो इलाका है, जो कस्बा हमारा उग्गो की सियालकोट, उसके अतराफ़ में जितने गांव लगते हैं उसको, हर एपिसोड में हम आपको एक गांव और उसकी खासियत बताया करेंगे। सेगमेंट बहुत मज़े का होने वाला है। आज हम आए हैं गंगा पहलवान जो है, जो गुजरे हैं रुस्तम जमा, उनके गांव आए हैं। आइए आज उनका गांव दिखाते हैं आपको। स्टे ट्यून विद जंगल पानी टीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उस्मान यूसुफ आपके साथ नई एपिसोड के साथ हाजिर है। तो जंगल पानी की टीम आज पहुंची है जनाबे अली गोकी के करीब, एक गांव है चहारी। और ये किस वजह से मशहूर हुआ? पाकिस्तान बनने से पहले जो लोग पाकिस्तान पंजाब में हैं और चाहे वो इंडिया पंजाब में हैं, वो इस नाम से बाखूबी वाकफ़ हैं। और आप अपने दादा अबू बड़ों से भी इनके बारे में पूछ सकते हैं। इनका नाम है जी गंगा पहलवान और इनका असल नाम फिरोजदीन था। और ये हमारे पास ही जो गांव है, इधर पैदा हुए। आइए जाके हम आपको उनकी कब्रें भी दिखाते हैं और उनका जो गांव है वो भी विज़िट करवाते हैं। तो ये जंगल पानी के साथ देखते रहिए हमारे चैनल को। ये नया सेगमेंट हमने शुरू किया है, जैसे कि नुमान भाई ने आपको पहले बताया, इसको आप ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। तो स्टे ट्यून, लेट्स गो। तो लीजिए जनाब, हम चहारा के बहुत करीब आ चुके हैं। विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड, ये देखें जी, ये है चहारे, ये विलेज जो आपको नजर आ रहा है। ये है जी गंगे पहलवान का पिंड, गंगे दा पिंड, रुस्तम जमा, जो 1946 में जिनकी डेथ हो गई थी, ये उनका गांव है, वो इधर पैदा हुए। ये है चहारा जो कोकी कस्बा के बिल्कुल करीब है। हाँ जी सज्जनों के मित्रों के बेलीओ, आप पहुँच गए है इतने गंगा पहलवान साहब के पिंड। तो आ है बोर्ड, यह भी माड़ा जहाँ पुराना लग रहा है। तो आ देखो, आए हैगी एंट्रेंस, इतने कोई लगता है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है माड़ा मोटा। चलो अंदर चलते हैं, तो थोड़ा दिखाने की है अंदर। जी तो नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं गंगा पहलवान साहब की कब्र और उनके अखाड़े में। ये उस्मान भाई जहां पे खड़े हैं, ये अखाड़ा है जहां पे वो कुश्ती किया करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं लकड़, ये बहुत पुरानी है, वो इस तरीके से वो कुछ किया करते थे। अब हम तो पहलवान हैं नहीं, तो यहां पे पहलवानी अभी आजकल मुनक़ता हुई हुई है। तो ये यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये कंप्लीट होने के बाद जो है ना, यहाँ पे दोबारा से पहलवानी का आगाज़ किया जाएगा। ये
और आइए दिखाते हैं आपको उनकी कब्र। ये सबसे पहले उनकी कब्र दिखाते हैं आपको। ये देखिए उनकी तख्ती भी लगी हुई है। जी 25 मार्च 1944 बरोज हफ्ता, और पंजाबी की डेट कह लें आप तो 13 चेत, चेत महीना होता है ना पंजाबी का। तो ये उनकी कब्र है जनाब। और ये सारे जो है ना दूसरी कब्रें जो है दूसरे दीगर पहलवानों की, जो उनके साथ कुश्ती लड़ा करते थे, उनके रिलेटिव वगैरह, उनके रिलेटिव बेटे होंगे कुछ। ये जो इसकी एंट्रेंस है ना, ये भी पुराने वक्तों की है, बंटवारा होने से पहले की। और ये गेट भी जो है ना वही उसी वक्त का पुराना लगा हुआ है। लो जी आप हम चले हैं गुंगा पहलवान साहब के डेरे से, तो चलो चल के उत्थे उन्होंने फैमिली के मिलाने थोड़ा साथ बैठती, जहाँ पे गांव के बुजुर्ग आके बैठते थे, ये वो जगह। ये जनाब हम खड़े हैं इस वक्त गुंगा पहलवान जी के डेरे पे, ये सब उनकी फैमिली के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। दादा बोहन जी गुंगा पहलवान, सदीक पहलवान इन्होंने वाल साहब ने, गुंगा पहलवान साहब के बेटे। हाँ जी गुंगा पहलवान के बेटे हैं। हाँ जी महाराज जी अपना उन्होंने प्रधान ने सदीक पहलवान, वो भी एक बड़ा वाला नाम है साढ़े बाऊ जी का दसते रहे उन्होंने बड़े महाराज जी तो उन्होंने कोई मशहूर वाक्य दस दौ सू इशारे मगे भुले ने जो अंग्रेज ना भुले ने उन्हें मगे इशारा किया के अपना खंड लुआ लिया गोली मार देंगे। बाल साहब ने फिर बाद पुछा ना आगे क्यों की आख्या आख्या ढाया तो शूट कर देंगे फिर अपना थे दंदी वट दंदियाँ वटते हैं तो सब मैं पहले क्यों दसा मैंने पार्श ना लियाओ बेच नहीं फिर दोबारा फिर दोबारा लिया तो मैं पार्श ना हो कोई शक नहीं है
ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿਆ ਕਰੇ ਫਲਾਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀजी दोस्तों तो देखिए आपने वीडियो आज की हमारी कैसी लगी आपको वीडियो। एक तो हमने आपको अपना गांव दिखाया हमारे गोकी इलाके के साथ जो लगता है चारी गांव जड़ा है गया सी दहाया तो अज ते नाले गुंगे पहलवान दा पिंड दहाया आपां तुहानू ते उहदे बारे तुहाडे की विचार हैगे ने की कहिंदे हो तुसीं उहदे बारे तुहानू कैसी लगी वीडियो उहनां दीआं पुरानीआं इस्तेमाल वालीआं शैवां दिखाईआं आपां तुहानू ते उह तुसीं जिहड़ा ना जरा दस्सना सानू कमेंट करके लाजमी कि वीडियो कैसी लगी पिंड किहो जिहा लग्गिआ राह किहो जिहा लग्गिआ तुहानू लोग किदां दे लग्गे जिन्हां ने वाकिआ सुनाया उन्हां दी फैमिली कैसी लगी भुल्लिओ ना कमेंट करो शेयर करो आपके यार दोस्तों के नाल ते इस तरह दीआं वीडियो होर आउंदीआं रहणगीआं मेरा शहर मेरा पिंड नवे नवे शहर नवे नवे पिंड असीं जिहड़ा ना दिखांदे रहांगे तुहानू इंशाल्लाह आउण वालीआं नैक्सट वीडियोज़ दे विच ते टिल दैन अपना ख्याल रखिओ टेक केयर अल्लाह।